अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विद्युत पेंशन रस हित रक्षा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। पेंशन रस संघ ने मांग की है कि उनकी पेंशन भुगतान में उत्पन्न वित्तीय संकट दूर किया जाए। संगठन ने मुख्यमंत्री को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जापान में लिखा है कि आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मुख्य वित्तीय अधिकारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर ने पत्र जारी कर सूचित किया है कि ट्रांसमिशन कंपनी की मांग 392 करोड़ की डिमांड में से मात्र 35 करोड़ का ही भुगतान किया गया है, जिससे पेंशन निधि का भुगतान नहीं किया जा सकता। संगठन ने कहा कि जिसके चलते नवरात्रि, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पेंशन नहीं मिलने से समस्त पेंशनर्स परेशान हैं। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वालों ने क्या मांग की है। आज सभी पेंशनर्स यहाँ इस माह, वो भी खास तौर से त्योहारों के पहले, पेंशनर की पेंशन रोक देने की वजह से हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और उसके विरुद्ध हमने यहाँ एसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारा ये प्रोग्राम अब तब तक चालू रहेगा जब तक हम पेंशन प्राप्त न कर लें और हम इसको बिल्कुल चरणबद्ध ढंग से चलाएंगे। हर आप अगला हमारा प्रोग्राम मंगलवार को है, मंगलवार को हम सब एकत्र होकर माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी और स्थानीय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम बुधवार को हम विधानसभा अध्यक्ष और आपके कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से अगले हफ्ते पूरा का पूरा रोज ज्ञापन देंगे, विधायकों को देंगे, सांसद को देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। जब तक पेंशन नहीं मिल जाती तब तक हम लगे रहेंगे। शासन को हमारी ये चेतावनी है कि अगर हमारी पेंशन उन्होंने रिलीज़ नहीं की और हमारे जो एरियर ड्यू हैं और जो भी हमारे आपके भत्ते ड्यू हैं उनका जब तक निराकरण नहीं होगा हम पूरा संघर्ष जारी रखेंगे। अजय मिश्रा, क्षेत्रीय सचिव टेक्निकल यूनियन और सचिव पेंशनर्स एसोसिएशन।